तो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और आप यहाँ पे अपने जो है डिवाइस में कोई भी यहाँ पे पिक्चर हो, ठीक है, मतलब फोटोज हो, यहाँ पे अपनी फोटोज को जो है यहाँ पे प्राइवेट करना चाहते हैं, प्राइवेट में सेव करना चाहते हैं, प्राइवेट वाले फोल्डर में आप यहाँ पे इनबिल्ट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ इसी यहाँ पे फीचर के बारे में, कैसे आप किसी भी फोटो को यहाँ पे हाइड कर सकते हैं एंड यहाँ पे जो है प्राइवेट कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं पूरी इन्फॉर्मेशन जो है स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज में कुछ यहाँ पे सैंपल्स जो है कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनमें से कोई भी पिक्चर को जो है यहाँ पे प्राइवेट आपको करके दिखाने वाला हूँ, कैसे आपको प्राइवेट करना है उसकी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ फोटोज को जो है क्लिक किया है, मान लीजिए मेरे को इन फोटोज को प्राइवेट करना है तो कैसे करना है आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। एंड साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड है, आप उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, आप अपने डिवाइस में जो भी फोटोज क्लिक करते हैं या फिर आपके डिवाइस में कोई भी फोटोज का डेटा है तो उसको आप कैसे प्राइवेट कर सकते हैं। काफी सिंपल मेथड मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेट करने वाला जो फीचर मिलता है ना, वो काफी अच्छा फीचर मिलता है इस Realme के डिवाइस में। कहीं ना कहीं भाई ये फीचर में भी काफी बढ़िया है अगर आपको कोई भी पिक्चर को जो है हाइड करना है, और कहीं ना कहीं आप हाइड एंड अनहाइड, मतलब यहाँ पे आपको पिक्चर्स को हाइड एंड अनहाइड करना है तो वो भी आपको काफी अच्छा एक मैटर मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए बता देते हैं किस तरीके से आपको हाइड करना है। तो सिंपली आपको जो है अपनी फोटोज को हाइड करने के लिए अपनी सिंपली गैलरी में चले आना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई सैंपल जो है क्लिक किया हुआ है, इस सैंपल को मतलब मुझे जो है हाइड करना है, इस फोटो को मुझे हाइड करना है और प्राइवेट करना है इस फोटो को। तो कैसे आपको प्राइवेट करना है तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। जैसे ही आप इस पिक्चर को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस नजर आ जाएगा, आपको ये पिक्चर जो है शो करने लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस पिक्चर को अगर आपको प्राइवेट करना है तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ करना क्या होगा। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिलता है, इस पर टैप कर देना है। जैसे आप टैप करेंगे तो आपको सिंपल डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मिल जाता है यहाँ पे सेट एज प्राइवेट का एक ऑप्शन, ठीक है। आपको सिंपली इस प्राइवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और नीचे की साइड में आप देख सकते हैं नीचे सक्सेसफुली सेट एज प्राइवेट जो लिख के आ चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिलहाल एक पिक्चर को जो है यहाँ पे हाइड किया हुआ है, मतलब प्राइवेट किया हुआ है, ठीक है। अब प्राइवेट तो हो चुकी है, लेकिन अब आपको ये पिक्चर जो है कहाँ पे दिखाई देगी, कैसे आपको सर्च करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिलहाल एक पिक्चर को और हम हाइड करके आपको दिखा देते हैं। फिलहाल मैंने टोटल मिला के 2 पिक्चर जो है आपके सामने हाइड करी हुई है, प्राइवेट करी हुई है। तो अब इसको हमको पता कैसे चलेगा, तो सिंपली आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको फोटोज का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली इस पे लॉन्ग प्रेस रख लेना है, ठीक है। जैसे आप इस पे लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्राइवेसी पासवर्ड जो आपने सेटअप किया होगा, ठीक है, प्राइवेसी पासवर्ड भी सेटअप किया जाता है, आपको पता होगा। जैसे कि आप जो है लॉक स्क्रीन पे लगाते हैं पासवर्ड, जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे इसको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, जैसे आप फर्स्ट टाइम प्राइवेसी में वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको पासवर्ड जो सेटअप करना पड़ेगा। जनरली वो तो आपको पता ही होगा, पासवर्ड को पहले आपको पुराना वाला डालना है, फिर ओल्ड मतलब नया जनरेट कर लेना, वो तो सिंपल मेथड है, ठीक है। देन आपके बाद जैसे ही आप इस प्राइवेट वाले फंक्शन को ओपन करेंगे, मतलब प्राइवेसी वाले फंक्शन को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको सिंपल जो आपने पासवर्ड डाला होगा उस पासवर्ड को जो ओपन कर लेना है। जैसा कि मैं आपके सामने इस पासवर्ड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे फोटोज हमने जो है अभी हाइड की थी, और जस्ट आप टाइम भी देख सकते हैं, मैंने अभी जो है 4:56 के आसपास जो यहाँ पे हाइड की हुई थी, और 4:56 पे ये फोटोज जो है हाइड हो चुके, दोनों फोटोज मैंने हाइड की थी और ये हाइड हो चुकी है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको अनहाइड करना, मतलब आपको इसको प्राइवेट से फिर से अनप्राइवेट करना है, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे सेट एज पब्लिक का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, मतलब आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी कि यहाँ पे आपको किस जगह पे जो है इसको यहाँ पे सेव करना है। तो आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, जैसे हम कॉलेज पे टैप कर देते हैं तो देख सकते हैं हमारा ये उस कॉलेज वाले जो फोल्डर है उसमें जो है वहां पे जो है सेव हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप इस पिक्चर को भी जो है यहाँ पे अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर यहां से करना चाहें आप डायरेक्ट जो है यहां से भी प्राइवेट कर सकते हैं, यहां से आप चाहें तो यहां से भी आप प्राइवेट कर सकते हैं, नीचे की साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ से भी जो है आप प्लस के ऑप्शन में क्लिक करके जो है इसको हाइड कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छा फीचर जो कि आप दोनों तरीके से कहीं पे भी जो है हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पूरी तरीके से पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि हाँ भाई यहाँ पे किसी भी फोटो को यहाँ पे प्राइवेट कैसे करते हैं, कैसे आपको यहाँ पे हाइड करना होता है एंड कैसे अनहाइड करना होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैंने डिस्कस की। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So friend, thank you so much.